हेलो बच्चों, तो एक क्लास हमारी मिस हुई है। एक वीडियो नहीं आ पाई थी लास्ट क्लास में। खैर, उससे पहले हम जो टॉपिक कवर किया था हमने, वो था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हमने बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को भी कंप्लीट किया था। अगर आपको याद हो तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि चीज़ें याद रहनी चाहिए। 2 दिन हो गए हमें या 3 दिन हो गए जो हमने कोई क्लास नहीं ली है बायो की, तो इसलिए थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। खैर, आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा पूछे आने वाला टॉपिक है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है अगर बने का। तो हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज रह गई हैं, एसटीडीज जो हमें पढ़नी है, और दूसरा हमारे पास रह गया आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट जो है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उनको हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो एसटीडीज के बारे में ही है, सॉरी डिजीजेज के बारे में, क्योंकि हम सारी डिजीजेज वहीं पे पढ़ेंगे, तो हम सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेस भी वहाँ पे समझेंगे। हम वहाँ पे पहले ये समझेंगे ना, पैथोजन काम कैसे करता है, फिर जब हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो उसमें सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलने वाले डिजीजेस को हम एक साथ पढ़ेंगे। उसमें जितनी भी डिजीजेज एसटीडीज में हैं, वो सारी की सारी हम कवर करेंगे। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमें इस चैप्टर में जो एक ही टॉपिक पढ़ना है वो आर्ट है। जो एसटीडी है वो वैसे भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो फोर्थ चैप्टर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बुक से खोल के, तो एसटीडी का एक जर्नल इंट्रो है। और जो रिवाइज सिलेबस आया ना इस साल के लिए, उसमें भी लिखा है कि एसटीडी इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना ही डिस्क्राइब किया हुआ है। बट जब हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह की एसटीडीज भी पढ़ेंगे। एड्स हमारे कोर्स में है ही, सिफिलिस हम पढ़ लेंगे, गोनेरिया हम पढ़ लेंगे, और जो मेजर एसटीडीज हैं, जो कैसे क्योर की जाती है, क्या उनके पैथोजेंस हैं, क्या उनके सिम्टम्स हैं, हम कलेक्टिवली जब पढ़ेंगे तो सारा एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या बसता है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसको एब्रिविएटिव हमने क्या बोला है, आर्ट। अब ये आर्ट है क्या, और इस आर्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, और इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो जनरली एक टर्म से आप सब परिचित हैं, और वो टर्म है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब आप सब जानते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन ना कर पाना ही क्या कहलाता है इनफर्टिलिटी, यानी एक नए वंश या नए बच्चे को जन्म ना दे पाना क्या कहला रहा है बेटा, इनफर्टिलिटी कहला रहा है। जब कोई कपल, जैसे इनफर्टिलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, कि इनफर्टिलिटी इज अ प्रोसेस इन विच अ कपल कैन नॉट बियर अ न्यू चाइल्ड। ये सिंपल डेफिनेशन है इनफर्टिलिटी, यानी एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से कोई कपल एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाता, वही कारण इनफर्टिलिटी है, या वो जो इनएबिलिटी है वही इनफर्टिलिटी है। बट अगर मैं इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करूं कि मैं कब कहूंगा, आप जैसे आप एक डॉक्टर है और आपके पास एक कपल आता है, वो कपल कहता है कि सर हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप उन्हें ये बात सुनते ही इनफर्टाइल कपल घोषित कर सकते हैं, या इसके पीछे कोई क्राइटेरिया होगा, कुछ बेसिक चीजें आप उनसे पूछेंगे? तो मेन चीज क्या है, कब हम किसी कपल को इनफर्टाइल कहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक कपल जो है वो 1 महीने से सेक्सुअल कोइटस में इन्वॉल्व है, यानी 1 महीने से वो सेक्सुअल कोइटस कर रहा है और वो कंसीव नहीं कर पाया, तो वो आपके पास आता है कि सर हम कंसीव नहीं कर पाए, तो आप क्या कह दोगे कि आप में से कोई एक इनफर्टाइल है? नहीं कह सकते। रीजन, क्योंकि आपको ही पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए बहुत सारी चीजों का सही होना इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के सही टाइम पीरियड पे कोइटस होना जरूरी है, सही टाइम पीरियड पे स्पर्म्स का ओवम के पास पहुंचना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी सही टाइम पे एम्ब्रियो का बन के यूट्रस में आना जरूरी है, और यूट्रस का हेल्थी होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन बहुत सारी कंडीशंस को की एक्यूरेसी को डिमांड करता है, कि भाई फर्टिलाइजेशन जब ही होगा मेरे बच्चों, जब हर चीज सही पैटर्न में चल रही होगी। तो 1 महीने में अगर कोई कपल ये कहता है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो सीधी सी बात है दे आर नॉन इनफर्टाइल। जरूरी नहीं है कि वो इनफर्टाइल हो, तो हो सकता है कि जो टाइमिंग्स हैं, जो एक्यूरेसी है फर्टिलाइजेशन की, वो अभी तक क्या नहीं हो, अटेन नहीं हो पाई हो। तो फिर हम कब किस कपल को इनफर्टाइल कहेंगे?
इनफर्टाइल कहने के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए जो बेसिक डिस्क्रिप्शन लगाई जाती है, ऐसे इनफर्टिलिटी की आपसे डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, बट जो एक जनरल सेंस है कि आप इनफर्टाइल कहोगे किसको, कब कहोगे, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, तब हम उसको ट्रीटमेंट सोच सकते हैं। तो इनफर्टाइल कब कहते हैं किसी कपल को, सपोज एक कपल है जो मिनिमम 1 साल से साथ रह रहा है, मिनिमम 1 ईयर का टाइम पीरियड रख रहे हैं अब, ठीक है, 1-2 महीने नहीं, मिनिमम कितना टाइम पीरियड रख रहा है, 1 साल का टाइम पीरियड है। कपल दैट आर लिविंग टुगेदर फॉर 1 ईयर, ये आप लिख सकते हैं साथ के साथ, कपल दैट आर लिविंग टुगेदर फॉर 1 ईयर एंड ट्राई टू कंसीव, इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई 1 साल से साथ रह रहे, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं सेक्सुअल कोइटस के दौरान, तो इनफर्टाइल थोड़ा ना है, फिर तो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज बंद करो, यानी वो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की, यानी वो क्या कह सकते हैं हम, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं, सेक्सुअल कोइटस को मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीजें वो कर रहे हैं उसके बावजूद भी, बट नॉट एबल टू कंसीव, नॉट एबल टू कंसीव, और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तब आप उस कपल को क्या कह सकते हो, इनफर्टाइल कह सकते हो। तो इनफर्टिलिटी होने का एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि आप उस कपल को तब इनफर्टाइल कह सकते हो जब वो कपल 1 साल से साथ रह रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंसीव, मीन्स दे आर मेकिंग सेक्सुअल कोइटसेस विदाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव बट नॉट एबल टू कंसीव, दैट मीन्स वन ऑफ द टू पार्टनर, एक जो है उनमें से या तो इनफर्टाइल है, मे बी बोथ इनफर्टाइल, वो फर्दर आप जो चेकअप करोगे तब आपको पता लगेगा। क्लियर है बेटा, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, इनफर्टाइल आप कब कहते हो किसको। अब इनफर्टिलिटी एक चीज ध्यान रखना बेटा, इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी इज मोर कॉमन इन मेल्स, इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन इन मेल्स, क्योंकि मेल्स में इनफर्टाइल होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज मेल्स की तरफ से जो स्पर्म है उसकी मोर्टैलिटी, उसकी हेल्थ, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि जो मेल होता है उसके टोटल स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया, उससे कम है तो एजोस्पर्मिया, जीरो जिसमें होता है, अगर सेमिनल फ्लूड ढंग से सिक्रीट नहीं हुआ तो इनफर्टाइल हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल रीजन इन मेल्स की वो इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली इनफर्टिलिटी कम देखी जाती है, बट आपको ही पता है इंडियन सोसाइटीज में मोस्टली बर्थ रिलेटेड चीजों के लिए फीमेल को ब्लेम किया जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आप अपने दिमाग में रखेंगे, दैट मेजरली 60-70% केसेस इन इनफर्टाइल कपल, इट इज प्रूवन दैट मेल इज इनफर्टाइल, है ना, मोस्टली केसेस में। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, ये सिर्फ कॉमन टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए, दे आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, ये एग्जाम में एज सच पूछे नहीं जा रहे हैं आपसे डायरेक्टली, बट हाँ इसकी इंप्लीमेंटेशन तो पढ़नी है आपको। रीजंस इन मेल, मेल में क्या क्या रीजन हो सकते हैं देखा जाए, लो स्पर्म काउंट, एवरीबडी नोज द टर्म बेटा, लो स्पर्म काउंट को क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है, जीरो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया, सबको पता है लो स्पर्म काउंट इट इज कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जीरो स्पर्म काउंट है तो सीधी सी बात है इनफर्टाइल तो है ही मेल। थर्ड विल बी लो मोर्टैलिटी ऑफ स्पर्म, मोर्टैलिटी मूव नहीं कर पा रहे स्पर्म उस स्पीड से जिससे वो फेलोपियन ट्यूब में सही टाइम पर पहुंच पाए। क्लियर बेटा, लो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, आप सबको पता है सेमिनल प्लाज्मा का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्शन में, फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, एल्कलाइन सॉल्यूशन, प्रोस्थाग्लैंडेंस, ये सारी सिक्रीशंस किसके द्वारा की जाती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स के द्वारा, और इनको हमने क्या कहा था, सेमिनल प्लाज्मा। तो अगर ये सेमिनल प्लाज्मा ही नहीं होगा तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो दैट कैन बी अकोर्स। एनाटॉमी ऑफ स्पर्म, एनाटॉमी ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है, मैच्योरेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, इट मीन्स कि स्पर्म में टेल ठीक से नहीं फॉर्म हो रही है मैच्योरेशन के दौरान, या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहे, देयर मल्टीपल रीजन इफ एनाटॉमी ऑफ स्पर्म इज नॉट करेक्ट, एनी द मोस्ट प्रोबेबल रीजंस सराउंड अराउंड द स्पर्म्स की मोर्टैलिटी कितनी है, कितना काउंट है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर है, सेमिनल प्लाज्मा उसके साथ कितना है, दे आर कॉमन रीजन इन मेल। उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, हम जब जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। वैसे रीजन इन फीमेल्स, इफ द फीमेल इज इनफर्टाइल व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फीमेल, लेट्स से
प्राइमरी कोज पे कि ओवम फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, नो ओव्यूलेशन, ठीक है। सेकेंड कॉज विल बी ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस बट ओवम मूव नहीं कर पा रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो एम्पुलस थमस जंक्शन पे नहीं आ पाया। आपको पता है ना कि ओवरी से ओवम जब निकलता है इट रीचेज इन्फंडिबुलम, वो सबसे पहले इन्फंडिबुलम में आता है, देन इट मूव्स अवे टू एम्पुलस थमस जंक्शन जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम मान सकते हैं कि वन कॉज कैन बी कि लो मूवमेंट ऑफ ओवम टूवर्ड्स ए आई जंक्शन सबको याद है, एम्पुलस थमस जंक्शन। क्लियर बेटा? बिल्कुल क्लियर चल रहा है सब कुछ, बेसिक चीजें। थर्ड वुड बी, थर्ड इज द मोस्ट प्रोबेबल कोर्स जो कि हम देखते हैं, इन होस्टाइल इन्वायरमेंट या इन होस्टाइल यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। मेजर कोज इज दिस कि यूट्रस में जो एंडोमीट्रियम है वो प्रिपेयर नहीं कर पा रही अपने आप को, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इम्प्लांटेशन होता है, देन एंडोमेट्रियम विल स्लफ ऑफ, बॉडी विल नॉट सपोर्ट द प्रेगनेंसी, मिसकैरेजेस इसकी वजह से होते हैं। मतलब मेजर द कोज की जो इनफर्टिलिटी का कोज है फीमेल्स में स्पेसिफिकली, दिस इज ड्यू टू अ इनहोस्टाइल यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अब वन कैन कोज, एक और कोज है जो कि कहीं ना कहीं फीमेल की बॉडी से रिलेटेड है कि इनहोस्टाइल एनवायरमेंट फॉर स्पर्म, कि जो स्पर्म के लिए इन्वायरमेंट है वो इनहोस्टाइल है, स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा। इट इज अ वेरी कॉमन कोज कि जो स्पर्म है उधर से भी कारण हो सकते हैं कि जो सेमिनल प्लाज्मा है वो ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो स्पर्म यहाँ जब जा रहा है तो उसके पास सपोर्ट नहीं है सर्वाइव करने के लिए। आपको याद हो ना सेमिनल प्लाज्मा सपोर्ट स्पर्म कि वो वहां पर जाके मेच्योर हो, मूव करे, सर्वाइव करे। अब अगर वो फीमेल की बॉडी में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा नहीं, तो दिस कैन बी अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो दीज आर द बेसिक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, और भी ज्यादा हो सकते हैं, दे आर मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, देर कैन बी मोर बट ये मेजर है जो जो इनफर्टिलिटी के केस में देखे जाते हैं। अब क्यों होती है इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल? दे आर मल्टीपल रीजन्स बट मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल इज जनरली स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हम ये नोटिस करते हैं कि जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म फंक्शनिंग है, स्पर्म एनाटॉमी है, स्पर्म मोर्टैलिटी है, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी, देखो बॉडी की फिजियोलॉजी एक दूसरे से रिलेट करती है, एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हमारी हेल्थ को डिग्रेड करता है। आप जानते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम कोई भी फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते। सेम गोज फॉर रिप्रोडक्शन, यानी जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है, वो ढंग से नहीं हो पाती ड्यू टू डिफरेंट हॉर्मोन कंसेंट्रेशन इन बॉडी। सेम गोज फॉर फीमेल, जब फीमेल स्ट्रेस में होगी तो मेंसुरल साइकिल ढंग से परफॉर्म नहीं होगी, और मेंसुरल साइकिल ढंग से परफॉर्म नहीं होगी तो देयर कैन बी लो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं भी हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल ओव्यूलेशन, देयर कैन बी यूट्रस विड्रॉल, यूट्रस ढंग से काम नहीं करे और इम्प्लांटेशन को रिमूव हो जाए ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन, स्ट्रेस की वजह से हॉर्मोन लेवल में चेंज आए। तो देयर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर दीज प्रॉब्लम, बट ये प्रॉब्लम्स नेचुरल हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इनमें से ट्रीटेबल हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि लो स्पर्म काउंट विल बी ट्रीटेबल बाय द यूजेस ऑफ ड्रग, है ना, इसको आप ट्रीट कर सकते हो। लेट्स से इन होस्टाइल यूट्रस इम्प्लांटेशन, वी कैन यूज हार्मोनल थेरेपी, हम हार्मोन्स की मदद से यूट्रस को सर्वाइव करा सकते हैं। मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के दैट आर ट्रीटेबल बाय मेडिसिन, बट अगर मेडिसिन से ट्रीटेबल नहीं है और वो कपल जो है वो चाहता है कि वो कंसीव करे, क्योंकि वो कंसीव करने की कोशिश कर रहा है ना, कंसीव करने की कोशिश कर रहा है तभी तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहा है, बट कंसीव नहीं कर पा रहा है, अब वो चाहता है कि वो कंसीव करे। अब आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, आप किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लोगे जो कि रिप्रोडक्शन में असिस्ट करे। देखो नाम देखो ऊपर, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्टिव है बताइए, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, रिप्रोडक्शन में असिस्ट करने वाली जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जो रिप्रोडक्शन में असिस्ट करे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करे इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आप समझ गए होंगे बेटा हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज अ जनरल नेचुरल कोज जो कि नॉर्मली बॉडी में हो जाता है। कुछ इनफर्टिलिटी के जो कॉजेज हैं वो ट्रीटेबल हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ मेडिसिन, बट मोस्टली नहीं कर सकते। तो अगर वो कपल कंसीव करना चाहता है तो उसकी आप हेल्प करोगे विद द यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजीज, और जिन टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं?
असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है यूज कर सकते हैं, कब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कब कौन सी टेक्निक को यूज करना है। तो आप इसको नोट करेंगे फटाक से, विल मूव अहेड। तो बच्चों पढ़ाई चल रही है, ट्वेल्थ का रिजल्ट भी आ गया है, टेंथ का रिजल्ट भी आ गया है, काफी अच्छा रिजल्ट रहा हमारे बच्चों का भी, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट ईयर आपको भी बोर्ड देना है तो कोशिश करेंगे। आपके लिए तो एक एडवांटेज है, कोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं 30% डिक्रीज हुआ, 30% मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है जो आपको चाहिए होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपको हमेशा अपने से बेटर परफॉर्म करना है, दूसरों से नहीं, ये भी मैं बोलना चाहूँगा। कभी ये ना सोचें कि उस बच्चे के मार्क्स इतने आए हैं तो हमको उससे ज़्यादा परफॉर्म करना है। हमेशा ये सोचें कि मेरे मार्क्स कितने आए थे लास्ट एग्ज़ाम में और मुझे इस पर कितना इम्प्रूव करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन होने की वजह से हम टेस्ट नहीं ले पा रहे, बट वेरी सून हम ऑफलाइन मिलेंगे, टेस्ट वगैरह कंडक्ट होंगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस को चेक भी किया जाएगा, आप लोग भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। बट अभी जब तक आप ऑनलाइन हैं, जब तक आप घर पर पढ़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तब तक आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहे, टेस्ट योर सेल्फ, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, टेस्ट करो, मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं उनको देने की कोशिश करो। देर आर मल्टीपल वेज कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, नेवर लिमिट कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया तो बस अब ये फिनिश, अब मैं इसे सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज करूँगा, नहीं, ये बहुत गलत इम्पैक्ट होता है। क्योंकि हमेशा मार्क्स अचीव करने का एक ही तरीका होता है, ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक एक बार पढ़ो। आपने कई बार सुना होगा द ओनली थिंग दैट प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट, इट मीन्स कि अगर आप एक ही चीज़ को बार 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 रिपीट करते रहोगे तो आप उसमें परफेक्शन ले सकते हो, इंस्टेड कि आप आज एनसीईआरटी पढ़ी, कल गाइड पढ़ लेते हैं, परसों को दूसरी गाइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई तीसरी गाइड पढ़ लेते हैं, वो कोई सेंस नहीं बनाएगा। रीज़न ये है क्योंकि ना तो आपको उससे कोई बेनिफिट होने वाला है, ना ही उससे आपको कोई फ़ायदा मिलेगा अपनी स्कोरिंग में। आपके पास एक बुक है, स्टिक टू दैट, स्टिक टू द नोट्स, और इसको ही बार बार रिपीट करते रहो क्योंकि आपके पास टाइम है, लेस सर्कल। अभी हम फोर्थ चैप्टर पहुंचे तो घर पे बैठ के सेकंड को रिवाइज करो, थर्ड को रिवाइज करो, बी परफेक्ट इन दोस चैप्टर। जब तक आपके पास टाइप है तो टाइम है, इन चैप्टर्स को परफेक्ट करो। अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ऑफलाइन खुलने से पहले 5 चैप्टर को परफेक्ट कर लिया तो आपके पास बचे ही कितने, 16 थे, 3 हट चुके हैं, तो आपके पास 16 चैप्टर से 3 हट गए हैं, 13 चैप्टर बचे हैं, उनमें से आपने 5 परफेक्ट कर लिए पहले से ही, मिड सेशन से भी पहले, तो समझ सकते हो आप कितना आगे अपने आप को ले जाओगे, कितना इम्प्रूव कर लोगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। चलो तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फेमस वन, आप सबने सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी ऑल्सो नोन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक्यूरेट नेम इज IVF। अगर आपको टेक्निक का नाम देखना है तो IVF इज द टेक्निक, जो बेबी प्रोड्यूस होता है उससे उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था आई गेस, बायोलॉजी के किसी चैप्टर में 9th में या 10th में, एक सराउंड में बॉक्स दिया होता था येल्लो कलर का, उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया था, है ना। चलो तो अब हम शुरू करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी हम कब करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक, IVF is a very effective technique. In vitro fertilization का मतलब क्या होता है? In vitro मतलब body से बाहर किसी artificial medium में, inside a test tube. Fertilization test tube में हो रहा है. Let's not say, let's not assume कि baby test tube में develop होगा. नहीं, baby test tube में develop नहीं हो रहा है. आप जानते हैं ना किसी भी organism को, किसी भी baby को develop होने का primitive structure is zygote, है ना? Zygote है तभी embryo बनेगा, embryo है तभी fetus बनेगा, and so on so on. तो जो zygote है उसको test tube में develop कर रहे हैं। फर्दर जो डेवलपमेंट है वो मदर बॉडी के अंदर ही होनी है, वो मदर बॉडी से बाहर नहीं हो सकती, सॉरी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। टेस्ट ट्यूब बेबी डजंट मीन कि बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप हो रहा है, इट जस्ट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग आउटसाइड जस्ट लाइक अ मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब, और वहीं पे जाइगोट फॉर्म होता है और उस जाइगोट को फिर बाद में हम ट्रांसफर करते हैं इनसाइड द मदर बॉडी। और लेट्स से अलग अलग तरीके हैं जो कि हम इस टेक्निक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस टेक्निक के अंदर भी सब टेक्निक्स आपको याद रखनी है ना, क्योंकि चीजें पूछी जाती है। अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस आप कब परफॉर्म करोगे? मेनली इट इज परफॉर्म व्हेन द फीमेल इज इनफर्टाइल। IVF इज जनरली परफॉर्म व्हेन द फीमेल इज इनफर्टाइल।
अगर फीमेल नॉर्मल है और मेल इनफर्टाइल है तो आपके पास बहुत सिंपल टेक्निक्स भी हैं जो हम आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में अभी इसके बाद वाले टेक्निक्स में कवर करेंगे। बट लेट्स से फीमेल इज इनफर्टाइल, फीमेल इनफर्टाइल है और मेल नॉर्मल है या इनफर्टाइल है, देयर कैन बी कॉजेस। हम फीमेल पे फोकस कर रहे हैं तो हम IVF पे जाते हैं। फीमेल जो है वो ओवम जनरेट नहीं कर रही है, या फीमेल की यूट्रस प्रिपेयर नहीं है, या फीमेल ओवम प्रोड्यूस कर रही है बट स्पर्म उसकी बॉडी में क्या नहीं कर पा रहा है, सर्वाइव नहीं कर रहा है, देयर आर मल्टीपल कॉजेस। तो IVF इज मेजरली यूज्ड व्हेन फीमेल इज इनफर्टाइल। और भी टेक्निक्स हैं बेटा हमारे पास अगर फीमेल इनफर्टाइल है, बट द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इज IVF और बोथ इनफर्टाइल। अगर दोनों इनफर्टाइल है तो भी हम IVF यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, IVF इज द ओनली टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड व्हेन बोथ आर इनफर्टाइल, है ना, ठीक है। चलो अब लेट्स से अज्यूम फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, हम मान के चल लेते हैं दोनों इनफर्टाइल हैं, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी। तो अगर मेल भी इनफर्टाइल है और फीमेल भी इनफर्टाइल है, जैसे फीमेल इनफर्टाइल है तो आपको गैमेट चाहिए, है ना, फीमेल गैमेट चाहिए तो आप किससे लोगे, एक डोनर से। आपने मूवी देखी है विक्की डोनर, उसमें स्पर्म डोनेट करता है एंड दोज डोनेशन कैंप जनरली ट्रांसफर द स्पर्म टू अ IVF सेंटर। मतलब डोनेशन कैंप है, वो स्पर्म कलेक्ट करता है या ओवम कलेक्ट करता है, ये जो ओवम या जो स्पर्म कलेक्ट किए हैं ये IVF सेंटर पे जाते हैं और वहां पे जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनको ये डोनेट किए जाते हैं और वो फर्टाइल बन जाते हैं, कंसीव कर जाते हैं ना। परमानेंट फर्टाइल नहीं बना रहे, सिर्फ हम कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि सबसे पहला स्टेप जो होने वाला है, अब स्टेप्स एक एक करके आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान रखना था। फर्स्ट स्टेप वुड बी कलेक्शन ऑफ गैमेट्स, अब गैमेट्स कैन बी कलेक्टेड इधर बाय द होस्ट, होस्ट मतलब वही पेरेंट्स, अगर उनमें से सपोज फीमेल इनफर्टाइल है वो गैमेट नहीं बना रही है, मेल फर्टाइल है तो मेल तो अपने स्पर्म डोनेट कर सकता है। जैसे फीमेल भी ओवम बना रही है, मेल भी स्पर्म बना रहा है बट स्पर्म उसकी बॉडी के अंदर जिंदा नहीं रह रहा है, तो ही तो बाहर फर्टिलाइज कराना है, तो दोनों डोनेट कर सकते हैं। और अगर होस्ट नहीं डोनेट कर सकता देन वी विल यूज अ डोनर, है ना, सिंपल एज दैट बेटा। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चल रहे हैं कि अगर होस्ट डोनेट कर सकता है देन होस्ट विल डोनेट, इफ होस्ट कैन नॉट डोनेट द स्पर्म्स देन वी विल यूज अ स्पेसिफिक डोनर, हेल्थी डोनर। तो अगर मेरे पास कलेक्शन में क्या करते हैं, फीमेल होस्ट है या डोनर है, इनमें से कोई भी हो सकता है, और जो मेल है वो भी या तो होस्ट है या डोनर है, इनमें से कोई भी हो सकता है, वेरी क्लियर बेटा। तो फीमेल से हमें ओवम को कलेक्ट करना है, है ना, ओवम को कलेक्ट करना है, तो फीमेल के अंदर हम एक प्रोसेस कराते हैं दैट इज नोन एज मल्टीपल ओव्यूलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे और वो बहुत आगे तक काम आने वाला है। एक चीज समझो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा समझना, वी आर परफॉर्मिंग एन आर्टिफिशियल टेक्निक, और जब भी हम कोई आर्टिफिशियल फिनोमिना परफॉर्म कर रहे हैं, एक टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, द सर्टेनिटी इज नॉट 100%, आप फिक्स थोड़ी ना है कि सक्सेस होगा ही होगा, नहीं हो सकते ना फिक्स, बिकॉज नेचुरल फिनोमिना में देखो कितनी प्रोबेबिलिटी कम थी, आर्टिफिशियल में उससे ज्यादा होगी बट प्रॉपर तो नहीं होगी, पूरी 100% तो नहीं होगी। इट मीन्स कि मुझे फिक्स नहीं है कि मैं सक्सेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेट्स से कि मेरे पास 80% सक्सेस रेट है कि ओवम कलेक्ट होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और द टेक्निक विल बी सक्सेसफुल। द प्रॉब्लम इज IVF इज वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, बहुत ज्यादा महंगी होती है, और जनरली पूरी लाइफ में जो कपल है वो एक ही बार अफोर्ड कर पाएगा, इतना पैसा देना एक ही बार अफोर्ड कर पाएगा। अब मेंटली भी ये ज्यादा स्ट्रेसफुल टेक्निक है क्योंकि फीमेल मेल को कंटिन्यूसली चेकअप के लिए बहुत सारी थेरेपीज के अंदर होके गुजरना पड़ता है, तो ज्यादातर कपल बार बार नहीं ट्राई कर सकते, एक बार ट्राई कर सकते हैं, और वो एक बार जब ट्राई कर रहे हैं तो आप क्या चाहोगे, तो मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब चांसेस को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है कि आपके पास एक ना होके एक से ज्यादा गैमेट हो, स्पर्म भी प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर 200 मिलियन गैमेट्स जो आपके पास प्रेजेंट है, तो उसका तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फीमेल का जो गैमेट है दे आर लिमिटेड नंबर, तो आप उसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कराओगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन। द क्वेश्चन इज हाउ टू इंड्यूस मल्टीपल ओव्यूलेशन, जब कोई फीमेल होस्ट है या डोनर है और आप उसके अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन कराना चाहते हो, तो लेट्स मार्क द पीरियड जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, है ना, आपको पता है 5th से 6th डे तक फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उस दिन से लेके डॉक्टर क्या करेगा, उसकी बॉडी में आर्टिफिशियली ब्लड में इंजेक्शन से FSH लाइक हॉर्मोन, FSH लाइक हॉर्मोन मतलब
आर्टिफिशियली मेड हॉर्मोन जो एफएसएच वाली प्रॉपर्टी रखता हो। एफएसएच लाइक हॉर्मोन मैं ब्लड से इंजेक्ट कर दूंगा। जब मैं ब्लड से एफएसएच लाइक हॉर्मोन डालूंगा तो बॉडी में भी एफएसएच सिक्रीट हो रहा है, ब्लड में भी एफएसएच जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएंगे, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट एक से ज्यादा होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक फॉलिकुलर डेवलपमेंट नॉर्मल एफएसएस ने कराया, एक जो हम डाल रहे हैं उसने कराया, तो दो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुए, तो ओव्यूलेशन दो ग्राफियन फॉलिकल का हुआ, तो कितने ओव्यूलेशन होंगे? दो। तो हम इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल ओव्यूलेशन, क्योंकि एक से ज्यादा ओवम क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये एक नेचुरल टेक्निक, नेचुरल प्रोसेस भी है। मतलब मल्टीपल ओव्यूलेशन बॉडी में जनरली हो सकता है जब एफएसएच की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। तो एफएसएच लाइक हार्मोन डाल के मैं क्या करा सकता हूँ? मल्टीपल ओव्यूलेशन। वेरी क्लियर बेटा, ये बहुत आगे तक काम आने वाला है। एफएस लाइक हॉर्मोन डाल के मल्टीपल ओव्यूलेशन करा सकते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, देन वी विल कलेक्ट मल्टीपल ओवम और इनको हम क्या कर लेंगे? प्रिजर्व। वेरी क्विकली बेटा, जल्दी से आप सोचेंगे दिमाग में कि अगर मुझे किसी गैमेट को प्रिजर्व करना है तो व्हाट विल बी द टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं किसी भी गैमेट को प्रिजर्व करने के लिए। फटाक से सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था, प्रिजर्व कैन बी डन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, सबको याद आ रहा है? चलो, तो प्रिजर्व कर लिया। सेम गोज फॉर मेल होस्ट डोनर। यहाँ पे आप स्पर्म को कलेक्ट करोगे या आप कह सकते हैं सीमेन को कलेक्ट करोगे, एंड सीमेन विल ऑल्सो बी क्रायो प्रिजर्व जब तक फर्टिलाइजेशन का टाइम नहीं आता। वेरी क्लियर बेटा, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल टेक्निक। फर्स्ट स्टेप वुड बी कलेक्शन ऑफ गैमेट्स, सेकेंड स्टेप पूरी टेक्निक का एक एक स्टेप पढ़ते जा रहे हैं। पहला स्टेप क्लियर है, कलेक्शन ऑफ गैमेट। सेकेंड वुड बी फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल मीडियम, या इसी स्टेप को, इस स्पेसिफिक स्टेप को भी मैं क्या कह सकता हूं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज कर रहा हूं। हमें क्या कर सकते हैं? देयर कैन बी टू मैकेनिज्म। मैंने कहा था ना इसके अंदर सब टेक्निक्स भी हैं, और वो सब टेक्निक्स भी आपको याद रखनी है। फर्स्ट टेक्निक वुड बी सिंपली फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन इज टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे? लेट्स से वी हैव टू ओवम, वी विल टेक टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है? उसमें एक मीडियम डालेंगे जिसमें ओवम सर्वाइव कर सके। मीडियम नेसेसरी है, हमको फ्लोट वगैरह भी करना है। और यहां पर मैंने ओवम डाल दिया, देयर विल बी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, है ना? और यहां पे मैंने ग्रुप ऑफ स्पर्म डाल दिया, यहां पे मैंने कुछ स्पर्म डाल दिए, एंड दे विल फर्टिलाइज, ठीक है? और अगर ये फर्टिलाइज कर जाते हैं तो लेट्स से इट प्रोड्यूसेस जायगोट, इट आल्सो प्रोड्यूसेस जायगोट। मेरे पास दो जायगोट है काम करने के लिए। हम हमेशा मल्टीपल चीजों से काम कर रहे हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्यों कर रहे हैं, टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन दिस प्रोसेस। क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोसेस है तो पॉसिबिलिटी सक्सेस की 100% नहीं हो सकती कभी, तो मैं जितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकूं मेरे लिए उतना बेनिफिट है। तो दो हो, तीन हो, चार हो, लेट्स वर्क विद देम, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मैं टेस्ट ट्यूब में जब स्पर्म को डालता हूँ, ओवम को रख के, तो देयर वेरी मतलब मैक्सिमम चांसेस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेट्स से कि 5% चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, ओवम जो है इस मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाता, स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पॉलीस्पर्मी हो जाता है। पॉलीस्पर्मी आप सब जानते हैं कि दो स्पर्म एक साथ फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जायगोट सर्वाइव नहीं करेगा। देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस। तो उसके लिए हमने एक और टेक्निक डेवलप की है, इस टेक्निक को आप याद रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सब टेक्निक्स को आप हमेशा याद रखेंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स को अलग से पूछा जाता है। This technique is known as ICSI. ये इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। इस वाले टॉपिक में बहुत सारी फुल फॉर्म है, IVF, ART, next is ICSI. ICSI is intracytoplasmic sperm injection. Very simple technique, very effective technique. Fertilization के लिए use करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ovum लिया, आपके पास एक ovum है, दो ovum है, एक लो पहले फिर दूसरा second. This is ovum. हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ कि सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनाने के प्रोसेस को भी आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड किया जाता है, हॉर्मोनली कंट्रोल किया जाता है, स्पर्म को कॉन्टेक्ट में लाके वो ओवम में फॉर्म किया जाता है। तो आप उस बात की टेंशन न लेंगे, आर्टिफिशियल प्रोसेस हो रहा है तो इट इज कंट्रोल्ड प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवम को लेते हैं, उसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप रखते हैं, ठीक है? और उसको जूम करके देखते हैं,
एक इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन इज माइक्रो इंजेक्शन, एक माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं, एक छोटा सा इंजेक्शन होता है। इस माइक्रो इंजेक्शन में मैं स्पर्म का न्यूक्लियस डाल देता हूँ, न्यूक्लियस और सेंट्रोइल्स। आपको बताइए दो चीज जानी चाहिए स्पर्म के साथ, यानी हेड मेनली। तो स्पर्म हेड या स्पर्म का न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, और उस न्यूक्लियस को मैं डायरेक्टली इंजेक्ट कर देता हूं ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो नाम देखो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म के अंदर की बात हो रही है? ओवम के। स्पर्म इंजेक्शन, किसको इंजेक्ट किया जा रहा है? स्पर्म को। वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी इफेक्टिव। एक बार कर लिया फिर दूसरे के साथ, दो जाइगोट प्रिपेयर, तो फर्टिलाइजेशन या तो नॉर्मल प्रोसेस से हो सकती है या आईसीएसआई से। आईसीएसआई इज वेरी इफेक्टिव, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम सीधा स्पर्म के जो न्यूक्लियस है उसको ओवम के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर देते हैं विद सेंट्रोइल्स ऑब्वियसली, और वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो भी जाइगोट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? आईसीएसआई की फुल फॉर्म बहुत याद, बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। माइक्रो इंजेक्शंस यूज होते हैं इसमें, और इसमें ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। अब आपका जाइगोट बन गया, ठीक है, बी स्टेप में जाइगोट बन गया। अब मैंने आपको कहा कि जाइगोट को, अब एक चीज आप याद रखेंगे कि जाइगोट को अगर मुझे बॉडी के बाहर डिवाइड कराना है तो सिर्फ डिवाइड कर सकता है, डिफरेंशिएशन थोड़ा ना कर सकता है। आपको याद है ना, डिवाइड मतलब क्लीवेज करा सकते हो आप बॉडी के बाहर, डिवीजन इनिशिएट करा सकते हो, बट एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, जब तक वो ब्लास्टोमियर या मोरूला तक नहीं बनता। मोरूला के बाद जैसे ब्लास्टोसिस्ट तक हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट तक आपको याद होगा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बस सेल अरेंज होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। उसके बाद सेल्स डिफरेंशिएट करना शुरू कर देती है, प्लासेंटा बनाना है। तो बॉडी के बाहर जो काम हो सकता है वो सिर्फ कब तक हो सकता है? वो हो सकता है बेटा ब्लास्टुला फॉर्मेशन तक। उसके बाद आपको ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है ही है, जहां प्लासेंटा बनेगा, जहां पे नरिशमेंट आ सकता है। तो सी स्टेप वुड बी प्रिपरेशन या मैं सिंपल लिख सकता हूं जाइगोट डिवीजन, जाइगोट डिवीजन एंड इट्स ट्रांसफर। डिवाइड कैसे करेगा और ट्रांसफर कैसे होगा, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से इसमें कुछ सब टेक्निक्स यूज होंगी जिनको आपको याद रखना है। पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका यह है कि आपके पास जाइगोट बना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास मल्टीपल जाइगोट है, ठीक है, मैं एक के साथ नहीं काम कर रहा, एक से ज्यादा। तो सेम चीज इसके साथ हो रही है, बहुत सारे जाइगोट के साथ होगी। तो ये जाइगोट है, जाइगोट को आपने लेट्स से इन विट्रो डिवीजन करने के लिए अलाउ कर दिया। इन विट्रो डिवीजन हुआ, क्लीवेज ही होगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। इन विट्रो डिवीजन हुआ, और इन विट्रो डिवीजन होके इट लीड्स टू 8 सेल मोरूला या 8 सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर 8 सेल तक बन गया। और अगर मैं इस 8 सेल स्ट्रक्चर को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता हूं, अगर मैं इस 8 सेल स्ट्रक्चर को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कहां करूंगा? फेलोपियन ट्यूब में करूंगा। अब यहां पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। ये वाला स्टेप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइगोट तक बन गया, जाइगोट को मैंने इन विट्रो डिवाइड करने के लिए अलाउ किया, कब तक? जब तक वो 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब इस 8 सेल स्ट्रक्चर को मैंने फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना है। लेप्रोस्की मशीन आती है, लेप्रोसी मशीन आती है, और बहुत सारे आपके पास इक्विपमेंट्स हैं। एब्डोमेन से ट्रांसफर कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, छोटा सा स्ट्रक्चर है, फेलोपियन ट्यूब में मुझे इंजेक्ट करना है। फेलोपियन ट्यूब में क्यों किया? क्योंकि अगर आप नेचुरली देखें तो नेचुरली भी तो 8 सेल स्ट्रक्चर किस में फॉर्म होता है? फेलोपियन ट्यूब में, है ना। फेलोपियन ट्यूब में इसको इंजेक्ट कर दिया, ये फेलोपियन ट्यूब है, मैंने यहाँ पे इसको इंजेक्ट कर दिया। उस टाइम डॉक्टर क्या ध्यान रखेंगे? उस टाइम डॉक्टर ध्यान रखेंगे कि इंजेक्शन करने से एक दो दिन पहले, इंजेक्ट करने से 2 दिन पहले फेलोपियन ट्यूब में, और उसके एक दो दिन बाद तक या थोड़े लंबे टाइम तक वो कंटिन्यूअसली एंडोमीट्रियम को स्कैन करते रहेंगे, एंडोमीट्रियम की थिकनेस को देखते रहेंगे, क्योंकि एंडोमीट्रियम की थिकनेस होना बहुत जरूरी है। अब मुझे पता है कि 8 सेल स्ट्रक्चर जो फेलोपियन ट्यूब में गया है, ये क्या करेगा? यहां जाके डिवाइड करेगा फेलोपियन ट्यूब में, और किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टुला में। और ये ब्लास्टुला यहां तक आएगा, इतने डॉक्टर इस एंडोमीट्रियम को ध्यान रखेगा इसका, इस हॉर्मोन प्रोजेस्टोन देके इसको मेंटेन करेगा। अगर ये मेंटेन नहीं हो सकता, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है फीमेल बॉडी में, और वो जाके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर इम्प्लांटेशन हो गई,
अगर फीमेल में लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वो गैमेट नहीं बना पा रही थी बट इम्प्लांटेशन कर सकती थी, तो एंडोमीट्रियम तो नॉर्मल है तो इम्प्लांटेशन हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को? तो ड्यूरिंग दिस टेक्निक हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, जाइगोट ऑफ एट सेल स्टेज इज ट्रांसफर्ड, यानी आप जाइगोट से लेके एट सेल स्टेज तक कोई भी डायरेक्ट जाइगोट भेजना चाहो तो भी फेलोपियन ट्यूब में भेजोगे, एट सेल तक भेजना चाहो तो भी फेलोपियन ट्यूब में भेजोगे, जाइगोट या एट सेल एम्ब्रियो और एट सेल एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन फेलोपियन ट्यूब, और इस टेक्निक को हम कहते हैं अनदर सब टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट, ज़िफ्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या बनेगी? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, नाम से समझ में आ रहा है, जाइगोट को ट्रांसफर किया गया है, जाइगोट को, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एट सेल एम्ब्रियो तक ये टेक्निक लिमिटेड है, उसके बाद टेक्निक दूसरी हो जाएगी, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, साइड में कहीं पे लिख लेना ज़िफ्ट, ज़िफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईवीएफ करते समय जो जाइगोट बाहर बनता है उस जाइगोट को हम एक फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। जैसे फीमेल जो होस्ट थी वो ओवम नहीं जनरेट कर पाती थी, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता था, बट उसकी एंडोमीट्रियम प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकती थी, तो हमने ओवम डोनर से लिया, फर्टिलाइजेशन कराया, जाइगोट प्रिपेयर किया। मैं फिर कह रहा हूं एक से दो दो तीन जाइगोट भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ट्विंस हो जाएंगे क्योंकि हमें सक्सेस रेट बढ़ाना है। तो जाइगोट जाके फेलोपियन ट्यूब में गया, वो डिवाइड किया, डॉक्टर इस टाइम क्या करेगा, ये भी एक पॉइंट लिख लेना कि ड्यूरिंग ज़िफ्ट द थिकनेस ऑफ एंडोमीट्रियम इज स्पेसिफिकली मेंटेन्ड बाय द यूज ऑफ प्रोजेस्टेरोन, आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, फीमेल की बॉडी में हॉर्मोनल लेवल चेक किया जाता है, और अगर वो नॉर्मल है तो आर्टिफिशियली देने की जरूरत नहीं है, बट थिकनेस को मेंटेन किया जाता है अप टू इम्प्लांटेशन। बट क्वेश्चन ये आता है बेटा कि अगर फीमेल जो है वो ओवम भी नहीं जनरेट कर पा रही और उसकी यूट्रस भी ठीक से काम नहीं करती, मिसकैरेज हो जाता है, यानी जो एंडोमीट्रियम है सपोर्ट ही नहीं करती प्रेगनेंसी को, तो मैं चलो आर्टिफिशियली फर्टिलाइज तो करा सकता हूँ एक डोनर का गैमेट लेके, बट मैं उसे इम्प्लांट नहीं कर सकता, तो ये टेक्निक तो वेस्ट हो गई। तो उस दौरान बस ये ध्यान रखना है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो होस्ट की नहीं चलेगी, अगर होस्ट की एंडोमीट्रियम सही है तो उसकी फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, अगर होस्ट नहीं है तो हम एक दूसरी मदर को ले सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी कैरी करेगी। एक डोनर था जो उन्हें गैमेट दिया, अब हम किसी दूसरी फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो उसकी जेनेटिक मदर नहीं है, जेनेटिक मदर तो गैमेट देने वाली है, बट हम एक दूसरी मदर को यूज कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं सरोगेट मदर। सरोगेसी आपने सबने सुना होगा बेटा, सरोगेट मदर वो मदर होती है जो किसी दूसरे के जाइगोट को या दूसरे के एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में इम्प्लांट कराती है और 9 मंथ के लिए प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो होस्ट को बेबी क्या कर देते हैं, दे देते हैं, और इन सरोगेट मदर को कुछ मनी प्रोवाइड की जाती है, मतलब ये दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ये एक तरीका भी है। कुछ आप सरोगेट मदर देखेंगे, सरोगेसी इज अ वेरी कॉमन टेक्निक, सरोगेसी पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, इंडिया में तो हद से ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इंडिया में जो सरोगेसी है उसकी कॉस्ट बहुत कम है, जो फीमेल है बहुत कम कोस्ट में सरोगेट मदर बनने के लिए रेडी हो जाती हैं, जिनसे उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, शोषण भी होता है, कम पैसों में उनको वो नहीं मिल पाते हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल पाते जो उनको चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो वो कैरी कर रहे हैं किसी दूसरी फीमेल के लिए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जाइगोट बना, मुझे फेलोपियन ट्यूब में भेजना है, जाइगोट भेजूंगा या तो डायरेक्ट या एट सेल एम्ब्रियो तक भेज सकता हूँ, इससे आगे टेक्निक का नाम चेंज हो जाएगा। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने की टेक्निक या जाइगोट को ट्रांसफर करने की टेक्निक को मैंने क्या बोला, ज़िफ्ट बोला, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये ज़िफ्ट या तो होस्ट की बॉडी में होगा, कब होगा उसकी बॉडी में, जब वो इम्प्लांटेशन को कैरी कर सकता है, चाहे वो गैमेट नहीं बना सकता हो फीमेल, बट अगर वो इम्प्लांटेशन कैरी कर सकती है तो मैं उसकी बॉडी में भेज दूंगा, बट अगर होस्ट की एंडोमीट्रियम ही खराब है तो मुझे एक दूसरी फीमेल की मदद चाहिए होगी, और उस फीमेल को हम कहेंगे सरोगेट मदर, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, सरोगेसी, ठीक है। चलो इसी स्टेप को कंटिन्यू करते हुए
मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं जाइगोट को 8 सेल स्टेज तक नहीं, इन विट्रो में डिवीजन करा के, इन विट्रो में डिवीजन करा के मैं ब्लास्टुला तक बना दूं, ठीक है, ब्लास्टुला तक फॉर्म कर दूं और इस ब्लास्टुला को फिर मैं फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करूं, यानी 8 सेल से बाद के स्टेज, 16 to 48 सेल स्टेज तक के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं, 16 to 48 सेल स्टेज तक के स्ट्रक्चर को, किसी भी स्ट्रक्चर को अब मैं फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। पहले मैंने जाइगोट या 8 सेल स्ट्रक्चर तक कहा तो उसको मैंने नाम दिया ज़िफ्ट और उसे मैंने कहाँ भेजा, फेलोपियन ट्यूब में। बट 16 से लेके 48 सेल स्टेज तक का स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेट मोरूला के बाद ब्लास्टुला बन ही जाता है, तो इस स्टेज को 16 से 48 सेल स्टेज जो है इसको मैं फेलोपियन ट्यूब में क्यों भेजूँ? फेलोपियन ट्यूब में तो 8 सेल स्टेज तक होते हैं, इसको मैं डायरेक्टली किस में ट्रांसफर कर सकता हूँ? यूट्रस में, प्लांट एंडोमीट्रियम के बिल्कुल पास, क्योंकि अगर आप नेचुरली देखोगे तो 16 सेल स्टेज और 40 सेल स्टेज यूट्रस में ही होती है, वो एंडोमीट्रियम के क्लोज ही होती है, बस इम्प्लांटेशन होने वाला ही होता है। तो अगर मैं 8 सेल स्टेज तक भेजता हूँ तो मैं कहाँ तक भेजूंगा? फेलोपियन ट्यूब में। 16 से 48 सेल स्टेज तक भेजता हूँ तो डायरेक्टली कहाँ भेजूंगा? यूट्रस में। और इस टेक्निक को मैं नाम दूंगा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर IUT, दिस इज ऑल्सो अ सब टेक्निक जिसको आप याद रखेंगे। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर सेम कंडीशंस को फॉलो करता है, दैट इज फॉलोड बाय ZIFT। अगर होस्ट प्रिपेयर नहीं है तो सरोगेट मदर में होगा, प्रोजेस्टोन की कंसंट्रेशन देके एंडोमीट्रियम की थिकनेस को मेंटेन किया जाएगा और एंडोमीट्रियम की थिकनेस को रेगुलरली चेक किया जाएगा कि फीमेल की जो एंडोमीट्रियम है वो सही तरीके से थिक है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है या नहीं है। बस फर्क इतना है कि 8 सेल एम्ब्रियो तक और फेलोपियन ट्यूब में भेजोगे तो ZIFT कहलाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर 16 से 48 सेल वाले को भेजोगे, यानी ब्लास्टुला को भेजोगे और यूट्रस में भेजोगे तो IUT कहलाएगा। विच इज मोर सक्सेसफुल? सिंपली IUT इज मोर सक्सेसफुल बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल इम्प्लांटेशन बढ़ जाएंगे बिकॉज आप यूट्रस के बिल्कुल पास भेज रहे हो, एंडोमीट्रियम के बिल्कुल पास भेज रहे हो और वहां पे आप 2-3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक से काम नहीं करेंगे, मोर देन वन, 1, 2, 3 के साथ हम काम करेंगे। तो जब उसको यूट्रस के एंडोमीट्रियम के बिल्कुल पास भेजा जाएगा तो चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज हाई। सॉरी, अब ऐसा हो सकता है कि आप जाइगोट को ट्रांसफर को फेलोपियन ट्यूब में और जाइगोट डिवाइड ही ना करे, मूवमेंट ना हो, देयर आर मल्टीपल रीजंस, यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये बेकार टेक्निक है, बट इससे ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक कौन है? IUT टेक्निक ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मोस्टली केसेस में यही किया जाता है कि जाइगोट को डिवाइड किया जाता है अप टू ब्लास्टुला और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ZIFT में, IUT में, विच इज अ बेटर टेक्निक बिटवीन दीज टू? IUT, ये भी कंपेरिजन भी याद रखना है, ठीक है। आप प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है, एंडोमीट्रियम की थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों ही केसेस में। अगर होस्ट के एंडोमीट्रियम ठीक है तो होस्ट की बॉडी में प्लांट करो, अगर होस्ट के एंडोमीट्रियम नहीं सस्टेन कर पाती है टेक अ सरोगेट मदर, उसकी बॉडी में प्लांट करो जो कि विलिंगली इम्प्लांट करने के लिए रेडी हो, सरोगेट मदर जब चाइल्ड को बर्थ देगी फिर आप अपने होस्ट को रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, जो एक चीज छोटी सी जो आपको याद रखनी है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो चाइल्ड है या जो मदर है जो कंसीव कर रही है, देयर आर मेजरली चांसेस कि वो ट्विंस कंसीव करेगी, है ना, क्योंकि हम मल्टीपल जाइगोट्स के साथ, मल्टीपल ओवम के साथ, मल्टीपल एम्ब्रियोस के साथ काम कर रहे हैं। तो इस पूरी टेक्निक में जो मेन चीज है कि वो ये है कि ट्विंस होंगे या थ्रंस होंगे, यानी 2 विभिजन हम लेंगे या 3 भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कितने सक्सेस रेट है। मोस्टली ट्विंस होते हैं, ज्यादातर IVF में ट्विंस पैदा होते हैं, रीजन बीइंग कि ज्यादातर IVF आजकल सक्सेस होने लगे हैं, सक्सेस रेट इज वेरी हाई। 1951 में फर्स्ट बार यूज की गई थी ये टेक्निक, देन 1971 में फर्स्ट सक्सेसफुल यूज की गई थी। तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो धीरे धीरे और बेटर होती जा रही है, और क्योंकि टेक्निक जब बेटर होती है तो उनके सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? फिर भी हम एक को यूज नहीं करते, तो IVF क्लियर है, वेरी सिंपल। इसके अंदर 3 सब टेक्निक पढ़ी आपने, ICSI, ZIFT एंड IUT, तीनों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है बेटा, रफ कर रहा हूँ। पहली टेक्निक हमारी खत्म, जो सबसे ज्यादा डिटेल में थी।
फर्स्ट टेक्निक आप कब यूज करोगे? मेजरली जब फीमेल इनफर्टाइल है, और अगर दोनों इनफर्टाइल है तो भी आईवीएफ यूज करेंगे। इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत महंगी टेक्निक है, इसलिए हर कपल अफोर्ड नहीं कर सकता और बार बार नहीं कर सकते। तो हम पहली बार में सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर भी सब टेक्निक्स यूज कर रहे थे। नेक्स्ट टेक्निक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देना चाहता हूँ। नेक्स्ट टेक्निक पढ़ाने से पहले मैं एक कंडीशन देना चाहता हूँ और फिर आप सोचेंगे मेरे साथ साथ सोचेंगे। लेट्स से कि मेल इज नॉर्मल, मेल नॉर्मल है, मेल स्टेराइल नहीं है, मेल कैन प्रोड्यूस गैमेट, इफेक्टिव गैमेट्स, मोटाइल है, सब कुछ ठीक है, मेल इज नॉट इनफर्टाइल, बट फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, फीमेल इनफर्टाइल है क्योंकि वो ओवम नहीं बना पा रही है, बट मेंसुरल साइकिल इज टेकिंग प्लेस। इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये बस एक कंडीशन है जो आपको कुछ समझाने के लिए है। एंडोमेट्रियम इज नॉर्मल, इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म कैन सर्वाइव। देखो ये सारी कंडीशन है जो कि बहुत सही है। अगर आप देखो मेल पूरी तरीके से नॉर्मल है, फीमेल ऑलमोस्ट नॉर्मल है, उसकी एंडोमेट्रियम डेवलप होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, रप्चर होती है, फ्लो भी होता है, सब कुछ होता है, ओवम जनरेट नहीं होता, या हम कह सकते हैं ओवा एम्पुला स्थमज जंक्शन पे नहीं आता। प्रॉब्लम रिलेट्स टू ओवम, नोट द एंडोमेट्रियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म भी सर्वाइव करता है। इट मीन्स द प्रॉब्लम रिवॉल्व्स अराउंड द फीमेल गैमेट। अब आईवीएफ करना वेरी एक्सपेंसिव, तो IVF को हम अवॉइड कर सकते हैं इस कंडीशन में, और हम सेकेंड टेक्निक यूज कर सकते हैं। इट इज नॉन एज गिफ्ट, एक गिफ्ट थी, नाउ इट इज गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, नाम से समझ में आ रहा है आपको क्या है कि हम क्या करेंगे? बिकॉज जो फीमेल है, जो होस्ट है, वो गैमेट नहीं प्रोड्यूस करी, बाकी सब तो ठीक है, तो वी विल ऑर्गेनाइज अ डोनर, हम एक डोनर लेंगे, कौन डोनर होगा? फीमेल हेल्थी डोनर, उससे हम मल्टीपल ओव्यूलेशन करा सकते हैं और क्या कलेक्ट कर सकते हैं? ओवम, और इस ओवम को मैं फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्थमज जंक्शन पे ट्रांसफर कर दूंगा, होस्ट के, किसके? होस्ट के, है ना, बिल्कुल सिंपल तो है, होस्ट के, बाकी सब चीज तो नॉर्मल है। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता है ओवम सर्वाइव्स फॉर 2 डेज, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है ना, जब ओवम होता है फेलोपियन ट्यूब में, तो उसके 3 दिन पहले कोइटस और उसके 2 दिन बाद कोइटस अगर होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम है, 3 दिन पहले 2 दिन बाद। तो हम कपल को कहेंगे कि भाई मेल तो नॉर्मल है ही, कि हम ओवम इस दिन ट्रांसफर करेंगे, तो आप इन 3 दिन भी कोइटस मेंटेन करेंगे और इन 2 दिन भी कोइटस मेंटेन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन नेसेसरी हो ही जाएगा क्योंकि मेल पूरी तरीके से नॉर्मल है और बाकी सारा प्रोसेस नॉर्मल होगा। इट इज अ वेरी बेसिक, सिंपल और लेस कॉस्टली टेक्निक आप कह सकते हैं। तो फीमेल फेलोपियन ट्यूब में आपने एम्पुला स्थमज जंक्शन पे ट्रांसफर कर दिया ओवम को, देन नॉर्मल coitus can leads to pregnancy, clear बच्चों? normal coitus can lead to pregnancy, very simple। अब अगर आपसे question पूछा जाए, it is a very famous question, teachers को बड़ा पसंद है पूछना कि zift versus gift, आपसे ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा करोगे किस कंडीशन में। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कंडीशन दी हो और अगर जिफ्ट और गिफ्ट पूछा जाए तो कंडीशन में ध्यान रखना, अगर यही कंडीशन है जब सब कुछ नॉर्मल है और सिर्फ फीमेल गैमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या तो मूवमेंट प्रॉब्लम होगी गैमेट की या प्रोडक्शन नहीं होगी, तो ही आप गिफ्ट करेंगे, अदरवाइज आप जिफ्ट ही करेंगे। कौन सा इफेक्टिव है? फॉर वेरी श्योर भाई जिफ्ट इफेक्टिव है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज वहां पे आप जायगोट बना चुके हो, 8 सेल एम्ब्रियो तक बना चुके हो और उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे आपने सिर्फ ओवम भेजा है
फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी श्योरिटी कम है, फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो जायगोट आगे आएगा, कोई मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं नेचुरल कॉजेस जो इसकी इफेक्टिवनेस को घटाते हैं। तो सीधी सी बात है कि ज़िफ्ट ज़्यादा इफेक्टिव है गिफ्ट से, समझ पा रहे हैं ना बच्चों, बट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इस कंडीशन में आप गिफ्ट ही करोगे। क्लियर है? सेकंड टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल सी है, IUT ही सॉरी IVF इंपॉर्टेंट थोड़ी हार्ड थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। थर्ड टेक्निक को पढ़ने के लिए भी एक कंडीशन पढ़ लेते हैं। अब देखो फीमेल की जो इनफर्टिलिटी है उसको आप इन दोनों टेक्निक से ट्रीट कर सकते हो, ट्रीट करने का मतलब है इन दोनों से उसकी हेल्प कर सकते हो कंसीव करने में। फीमेल अगर किसी भी तरीके से इनफर्टाइल है तो होस्ट सरोगेसी कुछ भी यूज करके आप इसको कर सकते हो। बट अब हम बात करते हैं लेट्स से मेल इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी की, मेल इनफर्टिलिटी के दो मेन कारण है या दो मेन कंडीशंस हैं, टेक्निक नहीं है ये, मैं पहले कंडीशन समझा रहा हूं। नंबर वन कंडीशन कैन बी लो स्पर्म काउंट, लो मोर्टैलिटी। इस टाइम की जो कंडीशन है मतलब स्पर्म बन रहे हैं बम मूव नहीं कर पा रहे हैं या स्पर्म बन कम रहे हैं तो इसलिए स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाते, कहां तक, फेलोपियन ट्यूब तक जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जीरो स्पर्म काउंट, नो और लो सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये मेल की तरफ से भी हो सकता है ना, मेल के जो स्पर्म है वो इतने इफेक्टिव ही नहीं है कि वो फीमेल की बॉडी में सर्वाइव कर पाए, स्पर्म कैन नॉट सर्वाइव इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कारण हो सकता है। अब ये दो कंडीशंस को ट्रीट कैसे किया जाएगा, देखो अगर स्पर्म काउंट जीरो है या लो सेमिनल प्लाज्मा है स्पर्म सर्वाइव भी नहीं कर पाता तो जो होस्ट है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, यानी उस होस्ट के स्पर्म को आप यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, या तो स्पर्म है ही नहीं सेमिनल प्लाज्मा नहीं है तो भी सीमन को कोई फायदा नहीं है, अगर स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इस दौरान अगर ये कंडीशंस हैं तो आप टेक्निक नंबर थर्ड यूज करोगे। मैं फिर बता रहा हूं टेक्निक और कंडीशंस साथ पढ़ रहे हैं, आपको कंडीशंस याद रखनी है याद रख सकते हैं, टेक्निक हेडिंग डालो उसके नीचे कंडीशंस लिखो फिर बताओ टेक्निक क्या होती है। हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब नाम से सिंपल है, इंसेमिनेशन मतलब वजाइना में ट्रांसफर कर रहे हैं स्पर्म को सीमेन को, और ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, आर्टिफिशियली। इसमें क्या करते हैं कि एक डोनर लेते हैं, ये एक तरीके से जिफ्ट की तरह है, जिफ्ट में हम फीमेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहे थे, सॉरी गिफ्ट की तरह है, गिफ्ट में हम फीमेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहे थे, हम मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि वहां फीमेल गैमेट ढंग से नहीं था, यहाँ पे मेल गैमेट ही नहीं है। तो डोनर लेंगे मेल को, उससे सीमेन कलेक्ट करेंगे और इस सीमेन को हम मान के चल रहे हैं फीमेल नॉर्मल है, इस केस में फीमेल पूरी तरीके से नॉर्मल है, इस सीमेन को आर्टिफिशियली इंजेक्शन से या किसी भी तरह के इक्विपमेंट से आर्टिफिशियली क्या कहते हैं एक्यूमुलेट कर दिया जाएगा इन वजाइना, यानी इंसेमिनेशन ही हो रहा है नॉर्मल भी, तो इंसेमिनेशन का मतलब यही है कि सीमेन को एक्यूमुलेट करना वजाइना में, बट हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं और किसी डोनर का कर रहे हैं तो ये क्या होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें जो स्पर्म है जो सीमेन है वो क्योंकि एक हेल्थी डोनर से लिया गया है तो वो डोनर जो सीमेन है वो मूव करेगा, स्पर्म मूव करेगा और फेलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइज कर जाएगा, अगर कंडीशन ये है। बट इस वाली कंडीशन को अगर आप ध्यान दें तो इस वाली कंडीशन में स्पर्म काउंट कम है या मोर्टैलिटी कम है, यानी स्पर्म है बट वो पहुंच नहीं पा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब तक किसी कारण से, तो यहाँ पे डोनर को लेने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ टेक्निक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बेटा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर से कंफ्यूज नहीं करेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एम्ब्रियो का होता है, इंसेमिनेशन वर्ड IUI फुल फॉर्म मैं फिर कह रहा हूं सबकी याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म किसको क्या बोलते हैं क्या मतलब है। IUI में क्या है कि आप जो होस्ट है उसके पास लो स्पर्म काउंट है, होस्ट जो है मेल उसका लो स्पर्म काउंट है या लो मोर्टैलिटी है, ऐसी कंडीशन में होस्ट का जो सीमेन है उसे कलेक्ट करेंगे और उसको आर्टिफिशियली
उसको आर्टिफिशियली किसमें डालेंगे, यूट्रस में। अब भाई उसे बजाय ना सर्विक्स क्रॉस करा के आपने यूट्रस में डाला, वेरी नियर टू फेलोपियन ट्यूब, तो मोर्टेलिटी का फैक्टर भी बहुत कम हो गया और स्पर्म काउंट भी अगर कम है तो भी पहुंच ही जाएंगे क्योंकि मोस्टली स्पर्म वहीं पे मरते हैं इस पाथ में वेजाइना सर्विक्स और यूट्रस को क्रॉस करने में। वो आपने आर्टिफिशियली क्रॉस कर दिया तो यूट्रस में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर मेल इनफर्टाइल है तो देखो किस तरह की इनफर्टिलिटी है। अगर स्पर्म है ही नहीं और लो स्पर्म काउंट है, जीरो है, फिर आपको डोनर चाहिए और डोनर का जो सीमेन होगा वो तो हेल्थी होगा, तो आपको यूट्रस में भेजने की जरूरत नहीं है, आप वजाइना में उसको एक्युमुलेट कर सकते हो। इंसेमिनेशन ही हो रहा है, नॉर्मल वजाइना में ही हो रहा है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, यहाँ पे इंसेमिनेशन हो रहा है बट वजाइना में नहीं हो रहा है तो इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहा कि यूट्रस में इंसेमिनेट कर रहे हैं हम होस्ट के जो मेल है उसको। यहाँ पे डोनर भी हो सकता है अगर आप उस टेक्निक में इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, बट मोस्टली कंडीशन यही होती है जब इसको यूज किया जाता है। तो होस्ट का जो सीमेन है उसको आर्टिफिशियल यूट्रस में भेजा जाएगा, मोस्टली मोर्टेलिटी का जो इश्यू है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये सारी टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो आपको समझनी है बेटा, सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, इस वाले टॉपिक के शायद नोट्स आज मैं अपलोड ना कर पाऊँ बट इसकी DPP आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, STDs बचती है, STDs मैंने बता दिया है चैप्टर नंबर 8 में हम कवर करेंगे। आपकी एक थर्ड चैप्टर की वीडियो रहती है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड और एक ट्विंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, काफ़ी बच्चे कह रहे थे वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों आएगी, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं है, तो वीडियोस थोड़ा सा, एक वीडियो लास्ट क्लास में इसीलिए स्किप हुई थी, तो ये वीडियो ये चैप्टर ऑलमोस्ट मुझे फिनिश करना था तो मैंने फिनिश कर दिया। आज आपको DPP मिल जाएगी, हो सका तो मैं इस पूरे चैप्टर की DPP आपको इकट्ठी दे दूंगा। STDs के क्वेश्चन आप उसमें से नहीं करेंगे अगर उसमें STDs के क्वेश्चन हुए, क्योंकि हम STDs के क्वेश्चन किस में करेंगे, चैप्टर नंबर 8 में, और हम इसके बाद चैप्टर नंबर 8 ही स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चे, बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर आएगा और चैप्टर नंबर 8 का भी लेक्चर परसों आएगा ही आएगा, तो होपफुली दो दिन में आपका कल और परसों यानी परसों तक आपके दो लेक्चर आएंगे। अब या तो परसों ही दोनों आएंगे या एक कल आएगा एक परसों आएगा, वो हम देख लेंगे जैसा भी होगा। चलो बच्चे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।